बताए और बताए इसके हवाले से, इस कोर्स के हवाले से। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अक्षय गनाई, आई एम द स्टूडेंट ऑफ जीडी सूत्रसो। विद द स्टूडेंट्स ऑफ जीडी सूत्रसो हैव बीन प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न कंप्यूटर फॉर वन मंथ थ्रू नाइलेट, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर, एंड वी हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट रिलेटेड द कंप्यूटर, एंड आवर मैम इज वेरी ट्राइंग हर बेस्ट टू टीच अस कंप्यूटर इन वेरी वेल मैनर, प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल। थैंक यू। ये कोर्स जो है आपने इससे पहले भी सुना होगा कि हमें बेसिकली हायर एजुकेशन से फंड्स आए थे अंडर केपेक्स बजट रिगार्डिंग सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रियल स्किल्स। तो जो फंड्स आए थे हमें वो यूटिलाइज करने थे। तो जो ये स्किल कोर्सेज होते हैं इससे बेसिकली एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है स्टूडेंट्स की। हमने डिफरेंट एजेंसीज को कंसल्ट किया जो ये स्किल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, और हमने उनको शॉर्ट लिस्ट किया। तो उनमें से जो ज़्यादा ताउन हमें दिया वो दिया नाइलेट श्रीनगर में। उनने बोला कि हम कुछ बास्केट ऑफ कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं तो आप उन कोर्सेज में से चूज़ करना है। तो हमने ट्रिपल सी कोर्स चूज़ किया, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट्स, जिससे स्टूडेंट्स बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऐसी चीज़ें सीखते हैं ताकि कल को उनको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है वो बढ़ जाए, और कल को अगर वो यहाँ से निकले तो किसी इदारे में एज डेटा एंट्री ऑपरेटर या एज जूनियर असिस्टेंट या कहीं पे भी वो स्किल्स को जरूरत पड़े। ये कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो हमें फंडिंग कर रही है, स्टूडेंट्स को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमने मैक्सिमम स्टूडेंट्स, हमने इंश्योर किया कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करें। तो बेस्ड ऑन देयर मेरिट हमने स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया, और अराउंड 162 स्टूडेंट्स हमें शॉर्टलिस्ट हो गए, जिनको हमने करीबन 3 बैचेस में तकसीम किया। और हर एक बैच की लगभग 2-2.5 घंटे पर डे क्लास होती है। 1 मंथ का ये कोर्स है, और 1 मंथ के बाद इंशाल्लाह जो स्टूडेंट्स हैं वो एम्प्लॉयबल बन जाएंगे कंप्यूटर कोर्स में, और उनको कल को एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इंशाल्लाह बस। कब से शुरू किया सर आपने? लगभग हमें हो गए 1 मार्च से हमारा ये स्टार्ट हो गया था। हमने इसे प्रोसेसिंग तो हमने बहुत पहले से की थी, पेपर वर्क हमने इससे पहले किया था, कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया हुआ है, लेकिन फिर जो क्लासेस हैं वो लगभग 1-2 मार्च से स्टार्ट हो गई, और इंशाल्लाह 1 महीने के लिए कोर्स। थैंक यू सर हमारे साथ बात करने। बताइए कि ये जो आपने कंप्यूटर को क्लास शुरू किए सिक्किम के हवाले से हमें बताया। ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की हैं जिनके मुताबिक एकेडमिक डिग्रीज के साथ साथ बच्चों को मुख्तलिफ हुनरों से लैस करना ज़रूरी हो गया है। उस सिलसिले में एक नई स्कीम आ गई है UGC की तरफ से, जिसको कहते हैं LOCF। उसके तहत स्ट्रेस इसी पर है कि बच्चे तालीम के साथ साथ कुछ तरबियत भी हासिल करें मुख्तलिफ कोर्सेज का, ताकि वो जब कॉलेज से निकलें, यूनिवर्सिटी से निकलें, तो वो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज भी जानते हों, कुछ टेक्निकल हैंड भी बन चुके हों अपनी तालीम के साथ साथ, एला तालीम के साथ साथ। चुनांचे स्टेट गवर्नमेंट ने इस साल हायर एजुकेशन सेक्टर में जहां और डिपार्टमेंट काम करते हैं, जैसे टेक्निकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है जिसके तहत ITIs आते हैं, बाकी चीज़ आते हैं, पॉलिटेक्निक्स आते हैं, तो वहाँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे फंड्स इन्होंने जारी किए, वो रिलीज कर दिए, ताकि कॉलेजेस में जो बच्चे चाहते हैं कि उनको कोई टेक्निकल हैंड वो बन जाएं, कुछ स्किल इंडस्ट्रियल स्किल कोर्सेज वो अडॉप्ट करें, उनके उन बच्चों की सहूलत के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस साल फंड्स रिलीज कर दिए हैं। तो हर कॉलेज की तरह हमारे कॉलेज में भी ऐसे फंड्स आए हैं। तो हमने मुख्तलिफ एजेंसीज जिन्होंने हमसे रब्ता किया, जिसमें कुछ ज़्यादातर सरकारी एजेंसीज थी, ऑर्गेनाइजेशंस थी, और कुछ प्राइवेट भी थी, हमारी टीम्स ने और हमारी कमिटीज़ ने उन सब चीज़ों को सिक्योरिटाइज करके एक एजेंसी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का इंतखाब किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही इदारा है यहाँ पर, जिसको NIELIT कहते हैं, नाइलिट, औरंगरेट में उनका ऑफिस है। तो उन्होंने एक बास्केट ऑफ कोर्सेज हमारे सामने रखा था सबके सामने, तो हमने फिलहाल बच्चों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए उनको एक, उनके लिए एक छोटा सा कोर्स जो 1 मंथ ड्यूरेशन का है पॉसिबली, वो हमने शुरू किया है। उसको कहते हैं ट्रिपल सी कोर्स, वो कंप्यूटर का बेसिक कोर्स है। उसमें बच्चों को से हम कोई फीस नहीं लेते हैं, उनको फ्री में देते हैं,
और जो फीस आई है वो जो हमारे पास पैसे आए हैं उसके लिए वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, यूटी गवर्नमेंट की तरफ से, और उन्हीं पैसों से हम बच्चों को फ्री में दे रहे हैं। सर कितने जी सर कितने स्टूडेंट्स हैं जो ये कोर्स कर रहे हैं इस वक्त आपके कॉलेज में? हमारे कॉलेज को एक एडवांटेज ये हासिल है कि हमने मैक्सिमम यूटिलाइज ऑफ फंड्स किया हुआ है। पॉसिबली हमारा कॉलेज जो है सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को इस कोर्स में एनरोल किया हुआ है। हमने 162 स्टूडेंट्स को एकेडमिक मेरिट की बुनियाद पर, 12th की बुनियाद पर भी और इससे प्रीवियस क्लास की एकेडमिक के बुनियाद पर हमने उनको बाज़ाब्ता एक वो एकेडमिक मेरिट की बुनियाद पर उनका इंतखाब किया है। हमारे पास 162 से बहुत ज़्यादा बच्चे आए थे, फिलहाल क्योंकि हमारे पास एक लिमिट था उसकी वजह से हमने 162 स्टूडेंट्स को लिया हुआ है इस कोर्स में। तो मुख्तलिफ कॉलेजों ने मुख्तलिफ, किसी ने 50, किसी ने 60, किसी ने कुछ, हमारा कॉलेज टॉप कर रहा है इसमें कि हमने ज़्यादा स्टूडेंट्स को एडजस्ट किया है। उन स्टूडेंट्स को 160 स्टूडेंट्स में से किसी को कोई फीस नहीं देनी है, कुछ नहीं देना है उनको। ये कोर्स के तकनील पर एक टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के इदारे की तरफ से, जो बड़ा वैलिड होगा, पूरे इंडिया में वैलिड होगा, और पॉसिबली हमारे बच्चे इससे और एडवांस्ड कोर्सेज करेंगे और करना पसंद करेंगे, ताकि बेहतर से बेहतर तालीम के साथ साथ कोई रोजगार के वसाइल उनको हासिल हो जाए। ये है आप उसके मकसद। शुक्रिया सर, थैंक यू।